साल 1999, कारगिल युद्ध, जिसकी पटकथा 1947 में नेहरू जिन्ना की मिलीभगत से फिरंगियों ने अखंड भारत के विभाजन के साथ ही लिख दी थी। साल 1947 में भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन आजादी भारत से पाकिस्तान के अलग होने की कीमत पर मिली थी। पाकिस्तान तो हिंदुस्तान से अलग हो गया, लेकिन पाकिस्तान की नापाक नजरें तब से ही भारत का ताज कश्मीर पर बनी रही। कई सालों तक पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने की कोशिशें की, लेकिन भारत मां के वीर सपूतों ने हमेशा पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। साल 1999 में जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख रहे परवेज मुशर्रफ ने अपने जिहादी गुटों के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला करने की सोची, तभी हिंद के प्रहरियों ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए कारगिल और द्रास सेक्टर से पाकिस्तान को खदेड़ कर रख दिया और तिरंगा लहरा दिया। इस जीत को विजय दिवस के तौर पर मनाकर भारत अपने वीर शहीदों की हमेशा चरण वंदना करता रहेगा। पूरी दुनिया में एकमात्र भारत देश की ही संस्कृति ऐसी है जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए शहीदों के नाम का दिया जलाया जाता है। नहीं तो इस पूरी दुनिया में पाकिस्तान और चीन जैसे ऐसे भी देश हैं जो अपने सैनिकों की मौत की खबर तक अपने देशवासियों को नहीं देते। साल 1999 में मई के महीने में नापाक षड्यंत्र कर जब पाकिस्तान ने कारगिल की चोटियों पर चुपके से हमला कर दिया, तब भारत ने 2 महीने तक पाकिस्तान से युद्ध किया और अपनी जमीन वापस ले ली। 26 जुलाई 1999 को कश्मीर से कारगिल और द्रास सेक्टर में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और जीत का तिरंगा लहराया। तभी से हर साल 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता का अपना ही मूल्य होता है जो वीरों के बलिदान से चुकाया जाता है। कारगिल युद्ध में मां भारती ने अपने वीर योद्धाओं का बलिदान दिया था, जिनमें से ज्यादातर बलिदानी युवा थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य और बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध भारत मां का हर एक रक्षक तिरंगे के समक्ष लेता है, और वही तिरंगा मातृभूमि के इन बलिदानी जाबाजों से लिपटकर उनकी गौरव गाथा का बखान सदियों तक करता रहेगा। जिन वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उनमें से कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नायर, मेजर पद्मपाणि आचार्य, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, कैप्टन सौरभ कालिया, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, शीश राम गिल, रणवीर सिंह, गणपत सिंह ढाका, विनोद कुमार, राजकुमार, भगवान सिंह, वीरेंद्र सिंह, वेद प्रकाश जैसे वीरों का नाम शामिल है। 26 जुलाई यानी आज का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए उन शहीदों के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का है जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये दिन उन महान और वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने अपना आज हमारे आने वाले सुखद कल के लिए न्योछावर कर दिया। आज का दिन भारतीय सैनिकों की वीरता के लिए हमेशा याद रखा जाएगा।